हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज सब्ज़ी। तो आइए देखते हैं क्या लिया हुआ है मैंने। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज आलू लिए हैं, थोड़ा सा गोभी लिया हुआ है, 2 अनियन लिए हैं, लहसुन लिया है थोड़ा सा, 2 टमाटर लिए हैं, 1 गाजर लिए है, थोड़ा सा मटर लिए है और 1 शिमला मिर्च लिए है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को कट करके रख लिया है, आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली हुई है, गैस की फ्लेम को ऑन किया और ऑयल डाला है। मैंने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है और ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया था और मैंने यहाँ पे जीरा ऐड किया है, तो 1 पिंच हींग ऐड की है और सब्जियाँ ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अनियन ऐड करूँगी। अनियन को हल्का सा ब्राउन होने तक इसको भूनना है। साथ ही मैंने लहसुन भी ऐड कर दिया था इसी में। अब मैं आलू डालूँगी, आलू को भी हल्का सा फ्राई करना है। आलू भी फ्राई करने के बाद यहाँ पे साथ ही गाजर ऐड कर देते हैं। गाजर को भी आलू के साथ में चला लेंगे क्योंकि आलू और गाजर में एक जैसा ही टाइम लगता है पकने में, तो दोनों को साथ ही पकाते हैं। और गोभी में मैं साथ ही ले लूँगी। सभी को अच्छे से भूनना है। शिमला मिर्च भी मैंने ऐड कर दिए हैं यहाँ पे। लास्ट बचा हुआ मटर भी ऐड कर देती हूँ और सभी सब्जियों को अच्छे से पकाएंगे। तो बस चलाते हुए सब्जी को ऐसे ही पकाना है। सर्दियों में गाजर और गोभी, शिमला मिर्च, हरी मटर, ये सारी सब्जियाँ बहुत ही आसानी से मिल जाती है और सब्जियों में टेस्ट भी इन दिनों ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने नमक लिया हुआ है, 2 चम्मच नमक ऐड किया है मैंने। 1 चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक डालने से हमारी सब्जियाँ अच्छे से गल जाएंगी। अभी मैं सारे मसाले ऐड नहीं करूँगी, सब्जियाँ पकने के बाद मसाले ऐड करूँगी। तो बस अच्छे से मिक्स करके सब्जियों को पकाना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ढक के भी पकाऊँगी सब्जी को, जिससे कि हमारी सब्जी अच्छे से नरम होकर पक जाएगी। आप यहाँ पे बीन्स का भी ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे चुकंदर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ढक दिया है। अब 2 से 3 मिनट स्लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं यहाँ पे ढक के पकाऊंगी और बीच बीच में इसको देखते रहना, चेक करते रहना कि हमारी सब्जियाँ पकी या नहीं पकी। तो मैं यहाँ पे खोल के देख लेती हूँ, एक बार चेक कर लेती हूँ। आलू भी हमारा टाइम लेगा पकने में, 2 से 3 मिनट और पकाएंगे इसको। मैंने यहाँ पे चेक किया था, तो अब इसको फिर से ढकेंगे और ढक के 4 से 5 मिनट के लिए इसको और ऐसे ही पकने देंगे और बीच बीच में इसको चेक करते रहना है। तो आप भी अपने घर पे इन सर्दियों जल्दी से बनाइए मिक्स वेज सब्ज़ी और अपनी फैमिली में खिलाइए सबको। और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर रेड चिल्ली पाउडर यूज़ किया है, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे मैंगो पाउडर यूज़ किया है। और सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सर्दियों में हरी धनिया बहुत अच्छे से आती है,
तो उसको डालना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर गरम मसाला नहीं यूज़ किया है, थोड़ा सा काश्मीरी मिर्च पाउडर, और मैंने यहाँ पर कटा हुआ टमाटर भी ऐड कर दिया था साथ ही। अच्छे से सभी सब्जियों को मिक्स करके पकाते हैं 2 से 5 मिनट और। तो सर्दियों में जो धनिया के दाने आते हैं वो दाने मैंने पीस के ले लिए थे, हरे धनिया के दाने आते हैं, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आता है। और मैंने यहाँ पे कोई भी गरम मसाला यूज़ नहीं किया है, बस यही दाने वाली हरी धनिया को यूज़ किया है, जिसको मैंने थोड़ा सा पीस कर रख लिया था वो ऐड किया है, और ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। और हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी बन के रेडी हुई है, और खुशबू भी इसमें बहुत ही अच्छी आ रही है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।